नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आखिरकार मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है और देर शाम वो जेल से बाहर आ गए हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ी संख्या में जेल के बाहर जमा होकर सिसोदिया के रिहा होने का जश्न मनाया। रिहाई के वक्त मनीष सिसोदिया के साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी नजर आए। वहीं जेल से बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया दिल्ली मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, उनके दोनों बच्चों और माता पिता से मुलाकात की, जहां मनीष सिसोदिया से मिलकर सुनीता केजरीवाल भावुक हो गई। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान सिसोदिया ने क्या क्या कहा, आइए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। तिहाड़ में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। मनीष सिसोदिया 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। कथित शराब घोटाले में ट्रायल शुरू होने में हुई देरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में सिसोदिया को जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद उनके तिहाड़ से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया था और वह बाहर आ गए। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सिसोदिया ने कहा कि वह बाबा साहब के संविधान की बदौलत ही जेल से बाहर आ पाए हैं और इसी आधार पर केजरीवाल भी जल्द ही छूटेंगे। मनीष सिसोदिया ने अपने संबोधन में शिक्षकों के ट्रांसफर, दिल्ली जल बोर्ड, साफ सफाई तमाम मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि 1.5 साल से दिल्ली जल बोर्ड को पैसा नहीं दिया गया है। आपके घर में सीवर बंद है, नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं, वो सब तानाशाही की वजह से हो रहा है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि सभी हैरान हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता किस मिट्टी से बने हैं। उन्होंने कहा कि वे हैरान रहते हैं कि 17-17 महीने जेल में बिताने के बाद भी ये झुकते नहीं और टूटते नहीं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, हमारा असली साथी अभी भी जेल में बंद है और वह जल्द बाहर आएंगे। उन्होंने नारे लगाए, जेल के ताले टूटेंगे। मन में सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने संविधान की ताकत का इस्तेमाल करते हुए तानाशाही के मुंह पर एक तमाचा मारा है। आज मेरा रोम रोम, जब से यह ऑर्डर आया है सुबह से मेरा रोम रोम बाबा साहब के प्रति ऋणी हो रहा है। एक एक पल में समझ नहीं पा रहा हूं कि आज इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद बाबा साहब के प्रति कर्ज को हम कैसे उतारेंगे। उस वक्त उन्होंने तय कर लिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान उसको बचाएगा। आज मैं बाहर आया हूं तो आपके प्यार की बदौलत, आपके प्यार के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की बदौलत, सच्चाई की ताकत की बदौलत, और सबसे बड़ी चीज जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना बना के जब नेताओं को, विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उनकी रक्षा करेगा। एक आम आदमी जो तानाशाही के खिलाफ बोलेगा, तानाशाही के खिलाफ बोलने वाले को अगर सरकार जो किसी जेल में डालेगी तो संविधान बचाएगा, तो संविधान बचाएगा। आज मैं बाबा साहब का और इस देश के संविधान के एक एक शब्द का ऋणी हूँ और अब मेरा पूरा जीवन बाबा साहब का और संविधान का ऋणी हूँ। जाहिर है आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं। कथित शराब घोटाला केस में वह 17 महीने से जेल में बंद थे। रिहाई के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि वह दिल्ली सरकार में बतौर मंत्री फिर से शामिल हो सकते हैं। खैर, अब वो जेल से बाहर आ गए हैं और आगे उनकी और पार्टी क्या फैसला करती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।